जिला डोडा में मूकबधिरों का एक गांव ढटगई जो है वो पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इस गांव में ज्यादातर लोग मूकबधिर है जिन्हें पानी के लिए दर बदर होना पड़ रहा है। इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत एक परियोजना भले ही शुरू की गई थी लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा और वो दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर हो रहे हैं। इसका संज्ञान जिले के डीसी ने लिया है और एसडीएम गंदोह को इस लापरवाही की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से ये आदेशों का पालन कहीं ना कहीं एसडीएम करते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं किस तरीके के स्टेप्स उठाए जाते हैं इन लोगों की सहूलियत के लिए। तो हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से हमारे संवाददाता इस हवाले से अपडेट करने के लिए। वसीम बताइएगा क्या कुछ दिक्कतें इन लोगों को पेश आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन का एक यहाँ पर जो स्कीम है वो लागू तो की गई थी लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल शिवपद, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये जो इलाका ये काफी ज्यादा मशहूर है। मैं आपके आपको बोलता चलूंगा किस हवाले से मशहूर है, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें आप ये देख लीजिए कि इस इलाके के अंदर जेजीएम जो स्कीम है, इन लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमारे इस इलाके के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पहुंचा। और आज के दिन के हवाले से हम बात करें, कल के दिन के हवाले से बात करें, लगातार इन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और इनका ये मानना है कि आज भी हमें 150 से 200 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है, वहां से हमें पानी का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आप देख रहे हैं किस तरह से पानी लेने जो है घरों से बाहर आ रहे हैं। और 21वीं सदी में इस तरह की तस्वीरें अगर देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये देख लीजिए आप कि 90 बच्चे बुजुर्ग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं और जो बात नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को इन लोगों के लिए ये सारी फैसिलिटीज देनी चाहिए थी। आज भी अगर इन लोगों को पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ेगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन लोगों का ये मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिला की, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा है, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां की एसडीएम है या तहसीलदार या बाकी सारे लोग हैं उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिये पानी जो है हर दिन लगने वाली चीज है, रोजमर्रा की ये चीज है। और आज की डेट में अगर लोगों को पानी नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि जो इलाकों के अंदर पहले चश्मे हुआ करते थे, चश्मों से लोग पानी लिया करते थे, आज हम देख रहे हैं कि वो वहां पे फैसिलिटीज उस तरह की नहीं हुआ करती थी। आज आबादी काफी ज्यादा है, लगभग 500 से 600 से करीब वहां पे घर है, 600 के करीब उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे घर है। इलाके की आबादी काफी बड़ी है, स्कूली बच्चे या बाकी सारे लोग जो है पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और खास करके जिन लोगों ने, और ये वसीम भले ही ये लोग अपनी आवाज ना उठा पाते हो, नहीं बोल पाते हो, नहीं सुन पाते हो, लेकिन क्या कुछ लगता है कि प्रशासन क्यों मूक दर्शक बने देख रहा है, क्यों इन लोगों की डिमांड्स को अनदेखा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले स्कूल की डिमांड भी इन लोगों द्वारा की गई थी और अब पानी को लेकर ये लोग जूझ रहे हैं। देखिए शिपन, ये एक ही इलाका नहीं है, कल आपने देखा था, कल हमने भद्रवा के इलाके की भी आपको पूरी खबर बताई थी, जिला डोडा की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जो आईटीआई रोड है वहां पे किस तरह से पीएचई डिपार्टमेंट यानी कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की पाइपे किस तरह से खस्ता गड्ढे में पड़ी हुई है। ये जो पीएचई डिपार्टमेंट में ये लगातार जल शक्ति महकमा है ये लगातार सुर्खियों में नजर आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की नजर इस पे काफी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, मगर नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, सरकार को ये चीज। अभी मौजूदा जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, खास करके मैं जो जिस इलाके की आज हम खबर बता रहे हैं, जो गटकाई का इलाका है, वहां की तस्वीरें आप देख लीजिए, बुजुर्ग किस तरह से सड़कों पे है। और जो सरकार ने स्कीम लाई थी, जल जीवन मिशन जो लाया गया था लोगों के लिए, उस स्कीम के तहत भी इन लोगों को आज पानी नहीं दिया जा रहा है, जो लोगों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस खबर के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी, कंसर्न महकमा जागेगा जो लगातार सुर्खियों में है, और खास करके जो अभी की सरकार है वो तो इस चीज पे ध्यान देगी। और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन इसमें होनी चाहिए ताकि लोगों के लिए जो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए वो रात की सांस ले पाए। जी वसीम, जिले के जो डीसी है उन्होंने इसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है, एसडीएम गंदोह को इस लापरवाही के जांच के आदेश जो है उसको लेकर जारी कर दिए हैं। क्या कुछ लगता है कि कब तक इन लोगों की सुनवाई हो सकती है? देखिए डिप्टी कमिश्नर जहां इस वक्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो भी कसूरवार ठहराया जाएगा, मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर उन पे नकेल कसेंगे, कानूनी कार्रवाई उन लोगों पे भी होगी, क्योंकि ये लोगों का मसला है, लोगों की आवाज। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनेगी तो कौन बन सकता है, मीडिया अगर नहीं बनेगी तो कौन बन सकता है। मुझे लगता है कि ये जो पानी की समस्या इस इलाके के अंदर है वो जल्द से जल्द हल की जाएगी और जो भी कसूरवार जेई हो या बाकी सारे लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इलाके की आबादी भी चाहती है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू
डोडा के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहां पर एक ऐसा गांव जहां पर सभी लोग जो है वो मूक बधिर हैं और कहीं ना कहीं लोगों की सुनवाई प्रशासन तक भी नहीं पहुंच पा रही। जहां पर एक तरफ वो पानी की किल्लत को लेकर जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ उनकी कुछ दिन पहले ये भी डिमांड थी कि उनके गाँव में स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो सफर कर रहे हैं।